इधर मध्य प्रदेश के रीवा स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और फैक्ट्री की लापरवाही का दंश आसपास के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, जेपी सीमेंट फैक्ट्री ने इस बरसात के मौसम में भी अपने फैक्ट्री से निकलने वाले पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण फैक्ट्री का पूरा पानी सड़क पर फैल रहा है और आए दिन दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रही है। अगर समय रहते प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर प्रशासन जेपी सीमेंट पर कार्रवाई कर इस पानी निकासी को बंद नहीं करवाती है तो जल्द से वे एकजुट होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पड़ रहा है, आप वीडियो पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे पानी अच्छा कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो अपने दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन कल यहाँ से मैं निकला तो यहाँ पे मैं गिर भी चुका हूँ। मेरे पैर पे भी लग गया था। इधर पे एक गड्ढा है जो लोगों को नहीं दिखता है, पानी भरे होने की वजह से लोग उस पर गिर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, पानी कहाँ कहाँ आ रहा है? ये जेपी सीमेंट प्लांट का पानी आ रहा है, जो कि आज ये 3-4-5 साल से जब से इधर से घर बन गए, पहले यहाँ पर खुलिया थी जिसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से रोड के ऊपर से पानी जा रहा है। क्या फैक्ट्री वालों ने भैया, जैसा कि ये रोड पे पानी आ रहा है बाउंड्री से, कुछ जानकारी आपको कहाँ से पानी आ रहा है, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? ये पानी कंपनी प्रबंधन है, जेपी सीमेंट है। जी जी। के अंदर का जो भी स्टोरेज वाटर है इनका, अब वो अंदर का भर गया, लेवल हाई हो गया है। जी जी। तो जैसे पानी बाहर निकल रहा है जी। और हम यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से हम सब, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान है हम लोगों को। चारों तरफ रोड में पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक नहीं है हम लोगों की, पानी में कोई रुकता नहीं है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि काफी तेजी से पानी आ रहा है। ये पानी बहुत तेज से आता है, अभी तो कम है, अभी बारिश होगी तो और ज्यादा इसका प्रसार ज्यादा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को समस्या होती है, स्विच गीले हो जाते हैं बच्चे के, और यहाँ तक कई बच्चे स्लिप भी हो गए हैं। ये अभी की समस्या नहीं है, ये कई दफा से हो रहा है, पिछले मैं खुद 4-5 साल से देख रहा हूँ। इसका नाम काफी ज्यादा है भैया। यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ गिर भी जाते हैं, यहाँ से रोड में जब पानी बारिश होती है, यहाँ बहुत सारा पानी रोडों में बहता है, हम लोगों को यहाँ बहुत परेशानी होती है निकलने में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय जेपी नगर। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में हूँ। अच्छा, पानी यहाँ भर रहता है, आप लोग गिर भी जाते होंगे? यस। कापी किताब आप लोगों की भीग जाती? भीग जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रीवा से सहयोगी पुष्पराज बने हुए। जी पुष्पराज, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि काफी मशक्कत से लोग आर पार कर रहे हैं, काफी पानी जमा है, और जेपी सीमेंट की बात करें तो जेपी सीमेंट काफी नामी है, तो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? जी आकाश, मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहूंगा कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री की यहाँ पर घोर लापरवाही है, क्योंकि देखिए आज बारिश का मौसम चल रहा है, एक स्कूल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो अपने फैक्ट्री का जितना भी बरसात का पानी आता है, तो इन्होंने जल निकासी की व्यवस्था नहीं बना के रखी है, जिसके कारण यहाँ पर एक बड़ा सा बांध है, तो उसी बांध के सामने एक PWD की रोड जाती है, और रोड के बगल से इनकी बाउंड्री लगी हुई है जेपी सीमेंट फैक्ट्री की, उसी बाउंड्री के नीचे से उन्होंने अपने एकदम से होल कर दिया है, बड़ा सा होल कर दिया है, और अपने फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट, जितना भी बरसात का पानी है, उसी नाले से निकालते हैं ये लोग रोड के ऊपर से। इस मामले को जिले के जिलाधिकारी तक नहीं पहुंचाई गई, प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई? जैसा कि कल मुझे ग्रामीणों ने और कुछ वहां के दुकानदारों ने अवगत कराया था, बातचीत मेरे साथ हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में अगर अभी तक जेपी प्रबंधन इसकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं करेगा तो हम लोग जल्द से जल्द कलेक्टर को आवेदन या ज्ञापन देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री इतने दिनों से यहाँ पर संचालित हो रही है, अभी हाल ही में लोग सुनने में आ रहा है कि डालमिया को हैंड ओवर की है, लेकिन अभी तक ना तो डालमिया किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, ना जेपी सीमेंट, इस दोनों की उसमें ग्रामीण जन और वहां से गुजरने वाले राहगीर काफी परेशान हो रहे हैं। जी जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग इसमें शामिल हैं, और इस जी आकाश
आकाश मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वहाँ पर मौजूद वहाँ आजू बाजू में उसके जो जहाँ से नाला जाता है उसका जल निकासी का पानी जाता है वहाँ के आजू बाजू वहाँ पर घर भी बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर बने हुए हैं। अगर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, इन दिनों आप देख रहे हैं कि हर जगह बारिश के चलते लोग तबाह हो रहे हैं, तो अगर प्रबंधन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में कोई भीषण हादसे का संकेत दे रहे हैं ये जी। पुष्पराज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।